नहीं वो उन्होंने आलम साहब ने तो बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत करी है और काफी किताबें लिखी हैं। सुभान और अल्लाह, उस कितनी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मस्जिद है और बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद है। मैं मैं हजरत आप दोनों साहब नायब सज्जादा नशीर भी मौजूद है और साहिब सज्जादा भी इस वक्त में मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ कि आज के जो मजार पाक के जो मुजावरीन बने पड़े हैं वो सरकार आला हजरत के नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, और मेरा सवाल आप सुने, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और मतलब इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, चंद लोग हैं उसमें ऐसे, बाकी तो खैर अल्लाह के मुकद्दस जो वली साहिब मजार होते हैं उनके आस्थान पर बहुत बहुत अच्छे माहौल हमने खुद देखे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि वो ज्यादा चिढ़ते हैं और कहते हैं कि आला हजरत को उन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, लेकिन आला हजरत अली रहमा ने जो है वो किस तरीके से तमाम आप नाज़रीन को बताएं कि किस तरीके से सुन्नियत को उरूज पहुंचाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या आप थोड़ा जो दिन चल रहा है अगर ऐसी ऐसी सक्सेस नहीं आती तो दिन दिन ठप हो जाता, दिन ठप होता था। लेकिन बात यह है कि उनसे पहले हमारे हजरत पीरानवी दस गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम है, बेशक बेशक ये हक है, बेशक ये हक है, बेशक बेशक, और ये कोई ये नहीं कहे कि उनका मुकाम पहले नहीं है या पहले आला हजरत का, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुकाम जो है हजरत पीरानवी दस गौस पाक है, तो जिनका कदम सब बुजुर्गों बलियों के गर्दन पर है। वाह वाह वाह, और खुद गौसे आलम अल्हम्दुलिल्लाह जो शेर के अंदर फरमाते हैं, बेशुमार अशआर लिखे हैं आपने, लिखे बहुत लिखे हैं, लेकिन हमारे हजरत आला हजरत साहब ने और अब्बार उनके परिवार वालों ने भी बड़ी मेहनत करी है और बहुत इतनी मेहनत करी है, मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत करी है, लोगों इसका मालूम नहीं हो रहा है और अपनी अपनी बातें करते हैं। माशाल्लाह, आप थोड़ा मैं अभी चाहता हूँ कि आप साहिब सज्जादा हैं, आपके बेटे ये नायब सज्जादा है फरहान मियां साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मियां साहब, आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप हाफिज कुरान भी है माशाल्लाह, हाफिज कुरान, आप ये बताएं जरा, सरकार आला हजरत अली रहमान ने और सरकार मुफ्ती आदमी ने पीर मुर्शिद तादु शरिया बदर तरीक अल्लामा अख्तर खान फाजिल बरेलवी ने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो है खानकाहों में जो खुराफातें होती थी आप देखते हैं कि जहाँ मतलब जो है इज्जतों पर हमले होते थे, चादर जो है खींची जाती थी मदारों से हमारे, तमाम जो मतलब जो है ये कारनामा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया है, ये वो कौन सी जात ऐसी, कौन सी ऐसी शख्सियत है, तो आप थोड़ा बताएं जरा जी। आप माशाल्लाह आला हजरत बहुत आज के दौर के मुजद्दिद हैं, आपने बेशुमार किताबें लिखी हैं और सुन्नियत को आगे बढ़ाया है माशाल्लाह, और जो है इस्लाम को आगे बढ़ाया और जो है वहाबियत को आपने खत्म किया। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सच्चाई का साथ दिया, हकीकत के साथ दिया, सच्चाई के साथ दिया, ये भी माशाल्लाह मुजाविर है, आप देख सकते हैं, हाँ मसला नहीं है, मतलब बहुत सच्चाई साथ दिया उन्होंने, बहुत सच्चाई साथ दिया जी। तो गुलाम हम कहते हैं कि डालती कर्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पलाको सलाम, माशाल्लाह, चलिए बहुत खुशी हुई मिलकर इंशाल्लाह, और किसी और मौके पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।